आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला मुख्य रोड को रेलवे लाइन के यहाँ अंडरब्रिज से निकाला गया है, जो राहगीरों के लिए आफत बन गया है। अंडरब्रिज बनने के बाद बारिश के मौसम से लेकर अभी तक अंडरब्रिज में पानी जमा होने से राहगीरों के लिए आफत बन गया है। विशेष कर दुपहिया चालकों के लिए पानी में से गुजरते समय कई बार वाहन बंद हो जाते हैं, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी के लिए मोटर पंप की व्यवस्था की गई, लेकिन ये पूरी तरह पानी निकासी के कारगर साबित नहीं हो पा रही है। अंडरब्रिज में लंबे समय से पानी भरने के स्थान पर रोड पूरी तरह टूट गई है, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले वाहन पानी भरे स्थान पर बने हुए गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे कई बार दुपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं। इस अंडरब्रिज की परेशानी का स्थायी समाधान नहीं होने से बारिश का मौसम नहीं होने के बावजूद भी हर रोज अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिसको मोटर पंप की सहायता से निकाला जाता है, लेकिन पानी रिसाव होने के कारण कुछ घंटों में पुनः पानी भर जाता है। रेलवे विभाग या PWD विभाग को इस अंडरब्रिज की इस समस्या को लेकर कुछ अहम कदम उठाकर पानी निकासी का कोई स्थायी समाधान करना आवश्यक हो गया है। साथ ही टूटी हुई सड़क अथवा पानी भरे स्थान पर बने गड्ढों को तुरंत सही करवाकर बड़े हादसे से बचा जा सकता है। खबर आपकी राजस्थान से नंदलाल तेली की रिपोर्ट।